बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं बताऊंगा कोशिका की संरचना में गोल्जी बॉडी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में आज मैं बताऊंगा गोल्जी बॉडी के बारे में। लेकिन इसके पहले यदि आप कोशिका का पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। तो न्यूक्लियस के निकट चपटी डिस्क के आकार की थैलीनुमा रचनाओं के समूह को गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी की खोज सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की। प्लांट सेल्स यानी पादप कोशिकाओं में इसे डिक्टियोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी बॉडी की संरचना। तो गोल्जी बॉडी तीन झिल्लीदार रचनाओं के मिलने से बनता है, जिसमें सबसे पहले रचना आती है जिसका नाम है सिस्टर्ने। यह चपटी थैलीनुमा रचना है जो समानांतर रूप से एक के ऊपर एक व्यवस्थित होता है। एक गोल्जी बॉडी में 1 से 12 सिस्टर्नी होते हैं। दूसरा रचना है वेसिकल यानी पुटिकाएं। ये छोटे गोलाकार सिस्टर्नी के निकट पाई जाने वाली रचनाएं हैं जो सिस्टर्नी से बॉडी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तीसरी रचना है वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं। ये बड़ी बड़ी थैलीनुमा रचनाएं हैं जो मुख्य रूप से गोल्जी बॉडी के अवतल सतह से जुड़ी हुई होती है। अब हम फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी बॉडी के कार्य देखेंगे। तो गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड्स संश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। गोल्जी बॉडी संश्लेषित पदार्थों को जमा कर उसका पैकिंग करता है तथा इसको अंतःकोशिकीय या बाह्य कोशिकीय स्थानों पर स्रावित करता है या पहुंचाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी बॉडी में स्थानांतरित किए जाते हैं तथा इसमें संश्लेषित पदार्थ को पैक किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।